अगर आप भी रोहित शर्मा और केएल राहुल के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल 2020 का 36वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इस मुकाबले में दो जबरदस्त सुपर ओवर देखने को मिले, जिसने दर्शकों के साथ साथ मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। मुंबई की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने सबसे अधिक 53 रनों की शानदार पारी खेली और पंजाब के सामने जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य रखा। पंजाब की टीम ने केएल राहुल की 77 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए, जिस वजह से मैच टाई हो गया। स्कोर बराबर होने के बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर खेला गया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि दोनों टीमें सुपर ओवर में 5-5 रन ही बना सकी और मैच का पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। ऐसे में मैच का नतीजा निकालने के लिए फिर से दूसरा सुपर ओवर करवाया गया, जिसमें मुंबई ने 11 रन बनाए, लेकिन इस बार पंजाब ने 15 रन बनाकर दूसरे सुपर ओवर में शानदार जीत दर्ज की। सुपर ओवर में मिली इस धमाकेदार जीत के बाद टीम के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उन्हें अब ऐसे मैच खेलने की आदत पड़ चुकी है। साथ ही में उन्होंने कहा कि कोई भी टीम सुपर ओवर के लिए तैयार नहीं रह सकती, आपको इस सिचुएशन में बस अपने खिलाड़ियों पर विश्वास जताना पड़ता है। बता दें कि इस जीत के साथ पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गई है और अभी भी उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। दोस्तों, आपका इस रोमांचक मुकाबले के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही में बेल आइकन को दबाएं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें।